उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक एसयूवी ने रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। इसके बाद रिक्शा चालक उछलकर खिड़की पर लटक गया। फिर भी एसयूवी नहीं रुकी, उसे लटकाते हुए तेज रफ्तार से ले जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर रिक्शा चालक सड़क पर गिर गया और मौत हो गई। कार गोपाल अग्रवाल के नाम से रजिस्टर्ड है और रिक्शा चालक का नाम जीतू है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एसयूवी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना स्वास्थ्य भवन चौराहे से परिवर्तन चौक के बीच में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक एसयूवी में लटका हुआ है। एसयूवी 150 मीटर तक रिक्शा चालक को लटकाए घूमती है। कुछ दूर रिक्शा चालक सड़क पर गिर जाता है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पहुंचे मृतक जीतू के मामा गुड्डू का कहना है कि अगर जीतू को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। वे सड़क पर घायल पड़ा रहा, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं पहुंचा। पुलिस ने बताया है कि रिक्शा चालक जीतू केसर बाग का रहने वाला था। शनिवार को एसयूवी से हादसे की सूचना मिली थी। इसके बाद घायल जीतू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में जब एसयूवी का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी सामने आया। हादसे के बाद से एसयूवी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि स्पीड तेज कर दी। एसयूवी कई लोगों को टक्कर मारते मारते बची। वहीं लोगों ने किसी तरह इधर उधर भाग के अपनी जान बचाई है।